तो भैया इस वक्त आम आदमी के घर आम आम चल रहा है। हेलो नमस्ते, फिर कैसे दोस्तों आप सब लोग, आई होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया से होंगे। तो भैया देखिए सुबह के इस वक्त 10 बज गए हैं, हम आ गए हैं थेरेपी से। तो हमने यहाँ पे चूल्हे पे आग जला दिए हैं खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं रख रही हूँ दाल, और अंदर मैं चलती हूँ जल्दी से, फटाफट से बना लेते हैं चावल रोटी। और यही बनाएंगे सुबह में, दाल चावल रोटी, और आम तोड़ रहे हैं बच्चे बगीचे में तो उनका बनाएंगे चटनी। तो दाल भात चटनी सबसे बढ़िया अपना देसी खाना। तो फिलहाल चलिए बनाते हैं, अभी चलते हैं बगीचे में, थोड़ा देखते हैं बच्चे आम तोड़ रहे हैं, आज मुझे अचार बनाना है, तो चलिए चलते हैं बगीचे में। तो इस वक्त हम लोग तोड़ रहे हैं आम, और आज हम बनाने वाले हैं आम का अचार। शिवम चढ़ गया है पेड़ पर, उसका पेड़ों पर चढ़ने में बड़ा मज़ा आता है। आई जो है लकी है, इसको इससे तोड़ने में मज़ा आता है। क्या कहते हैं लकी, खोचा है? शिवम देखिए ये है हमारे पेड़ का आम, आधा किलो का एक खे। गुड कैचेस। अन्नू के कोनो मतलब नहीं है कोनो काम से। और देखिए कल जो हम खटिया बुन रहे थे वो एकदम बढ़िया से देखिए बुन के हमारी खटिया तैयार हो गई है, और बहुत ही बढ़िया लग रहा है, और इसकी बुनाई भी बहुत अच्छी लग रही है। और बता दे भाई, चारपाई बुनना हम यहीं पे सीखे हैं, थोड़ा थोड़ा आता था, हमारी बुआ जी हमको सिखाई थी मायके में, हम जब लकी की तरह थे तब हम सीखे थे थोड़ा थोड़ा। और यहाँ आने के बाद मेरे बाऊ जी बहुत बढ़िया चारपाई बना रहे थे तो हम उनसे सीखे थे। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपना ये सारे काम जब खुद से हम कर लेते हैं तो देख के हमको बड़ी खुशी मिलती है। तो फिलहाल मेरी चारपाई तैयार हो गई है, तो भैया अचार के लिए देखिए आम तोड़ लिए हैं। तो अचार के लिए ये आम हमने तोड़ लिए हैं, तो हम चलते हैं इसका अचार बनाने। सबसे पहले एक बढ़िया सा हम धोल दें, और धोल के इसको काट के धूप में डालेंगे। चमन मीठा वाला आम नहीं है। बनाई पसंद आवत है ना? हाँ वो अच्छा लगा था, लेकिन अभी बहुत का कम कि नहीं। या इसमें और क्या भी आया है? ये भी खाते हैं हम। बुरी से पूरा नहीं। तो दोस्तों खाना वाना देखिए हमारा सब बन गया है, और हम आम वगैरह भी सब धुल लिए हैं अचार बनाने के लिए। अब हम बैठ गए भैया देखिए गेहूँ धुलने, इसको धुलने में लगेगा हमको काफ़ी समय, लगभग 2-3 घंटा लग जाएगा, कहे तो इसमें आधा से ज़्यादा तो मिट्टी है। चलिए इसको धुलते हैं, आम जो धुल के हम रख दिए हैं उसको काट रहे हैं उनके पापा अचार के लिए, तब तक वो काट देते हैं और तब तक हम गेहूँ धुल लेते हैं। Thank you.
देखे इतना जो गेहूँ में इतना गंदा जो निकल रहा है, ये कैसे इसका रोटी खवाएगा? देख रहे हैं इतना गंदगी गेहूँ में से निकल रहा है। तो भैया गेहूं धुलने में मदद कर रही है हमारी लकी। एक बार गेहूं का हाल देखिए, इतना गंदा पानी निकल रहा है, इसका कैसे रोटी खवाई हमसे ही बड़े सोच में हैं। इसको खूब धुलेंगे नहीं तब तक कैसे जो है बढ़िया होगा। तो करीब दो से तीन घंटा तो लग ही जाएगा। रुको लकी, रुको रुको, मैं पानी डालें। तो भैया गेहूं वेहूँ सब देखिए धुल लिए हैं, और आम में भी हल्दी नमक लगा के लेके चले आए हैं छत पे। और छत पे चलते हैं फटाफट, सब धूप में डाल देते हैं। ये वक्त बज रहा है 12:30, 1 बजने वाला है। अब बहुत तगड़ा धूप हो गया है, अचानक से बदरी भी आ रही है लेकिन धूप भी है बड़ी तेज। लकी लग गई है तो ऐसा ही छत साफ़ करने में, तो चलते हैं फटाफट से सब पहले फैला देते हैं। अब बड़ा तेज़ से भूख लग गया है, अब कमर का तो एकदम हालत एकदम ख़राब है। डॉक्टर हमको एकदम से मना कर दिए हैं कुछ नहीं करने के लिए, लेकिन अब ये हमारा काम कौन करेगा? उसी में थेरेपी करा करा के दवाई खा खा के अपना लगे हुए हैं। एकदम परेशान, एकदम से खड़े नहीं होते बन रहा है, इतना तेज़ जो है दर्द हो रहा है कमर में। आराम से आराम से, बाहर है लड़की, धुपवा में इसका दिमकवा नहीं काम कर रहा है। बक तो दोस्तों शाम के 5:30 बज गए हैं, और मैंने छत पर से गेहूं वगैरह सब जो है उतार लिए हैं। मौसम अचानक से फिर जो है घेर लिया था। वीडियो नहीं शूट हुआ है क्योंकि मेरा मोबाइल जो है चार्ज नहीं था, अभी को चार्ज करके लाए हैं। आयशा के घर से लाइट नहीं है, लाइट आएगी 7 बजे के लगभग। तो मैंने अभी को जस्ट वीडियो भी अपलोड किए हैं, तो अभी चल रहे हैं हम। देखिए दाना दिए थे अनु को और शिवम, गए थे दाना भुनाने। गांव में वो जो दाना भुनवाते हैं ना, वो भी गजब की होती है। तो ये दाना भुनवा के लाए हैं, चलते हैं इसको थोड़ी झाड़ते हैं और झाड़ के रखते हैं। कुछ शाम होता है तो कुछ खाने का मन करता है, और गाँव में दाना से बढ़िया और कुछ हमको नहीं समझ में आता है।
तो दोस्तों सारा काम देखे घर कर लिए हैं, हम दाना भी ले लिए हैं, खाते हुए चल रहे हैं खेत में, सब्जी तोड़नी है, शाम हो गया है, बहुत तेजी से अंधेरा हो रहा है, तो चलते हैं खेत में से सब्जी लाते हैं, अब खाना वाना बनाने की तैयारी करते हैं। बड़ा बढ़िया लग रहा है गर्मा गर्म दाना देखे इन सबका। हाँ माल बनू हम मम्मी देखे अपने बकरी के लिए आयशा जो है घास ले जा रही है, तो खेत में नेनुआ और कोहरा तैयार है, तो फिलहाल हम तोड़ेंगे नेनुआ। अरे नेनुआ देखे हो गया, देखिए नेनुआ फल रहा है, ए लकी नेनुआ तोड़ दें, जाओ घर पे है खाओ, घर में से लेकर आओ, चलता है नेनुआ तोड़ते हैं, एक और सब्जी बनाएंगे, तनी लकी नहीं रहेंगे खतरा में कुछ देर। बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ी अच्छा हवा लग रहा है ना, देखे उधर सामने उधर जो है शादी है, वहाँ डीजे बज रहा है, तो ये सब डांस कर रही है, देखे डांस करो करो डांस, आई तक डांस माई कर रहा होता है। तो भैया सब्जी हम तोड़ लिए हैं, चलते भाई बैठो एक घंटा बाद जाओ। तो दोस्तों देखिए सब्जी हम इतना तोड़ लिए हैं, थोड़ा सा घर पे है, सोच रहे आज हम बनाएंगे नेनुआ का भुजिया और रोटी, लेकिन अभी सोच रहे जब तक तनी उजरा रहते हैं खेतों में बैठ ले, अच्छा लग रहा है यहाँ बैठने में, और एकदम जस्ट सर पे चंदा मामा आ गई हैं हमारे, दिख रहा है कि नहीं, ये देखिए गाँव में रहते हैं तो यहाँ पर चंद्रमा हम लोग एकदम साफ देख लेते हैं, वहाँ पे जल्दी हम लोग को चंद्रमा ही नहीं दिखती है, घर में ही रह जाते हैं हम लोग, आधा चंद्रमा ज्यादा उगल है। तो भैया थोड़ी देर खेतों का आनंद ले लिए हैं, और हो रहा है बड़ी तेजी से अंधेरा, क्या अंधेरा हो गया है अभी, अनु देखिए उधर खेत के डाड़ों पे टहल रही है, तो हम चलते हैं अब जल्दी से, भैया बनाते हैं खाना वाना, और आज का ब्लॉग भी अब यहीं पे बंद करते हैं। तो उम्मीद है हमारा ब्लॉग आपको जरूर पसंद आया होगा, और ब्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घर में जाएंगे ना वहाँ लाइट वाइट बढ़िया से है नहीं, तो कुछ भी वीडियो शूट करते हैं वो दिखवे नहीं करता है, इसीलिए फिर घर में का वीडियो शूट करने का मन नहीं करता है, तो फिलहाल अभी खेतवा तक ही शूट किए हैं, तो चलिए चलते हैं अब हम बंद करते हैं, अब बनाएंगे खाना, मिलेंगे आपसे फिर कल, आगे देखिए फिर घूम के, और ये लोग का तो ऐसा लगता है कि इन लोगों के लिए रातें ना हो बल्कि दिन रहे। चला माँ चला अनहार होता, चला हो अनु, हटा हटा जा, हटा जा पहले, मुनार तो कहाँ घूमा था वो, तू मुनार कहाँ घूमा था वो, हाँ जब सियार उठा ले जाई तब डरे डरे इन लोगों के पीछे पीछे तू घूमा था वो, तू तो नन्ही कहा ना, तो हाँ ना तब तो हाँ ना घूमा के चाहिए, अच्छा बिटिया के सियार ले जाई तो नीक रही मारम ना, ये तो रानी बिटिया है ना हो, घाव लगे तब वो चिल्ला, हम्म, यार वाला सामने, यार लेकिन तो कहता कुछ, चल यार वाला सामने, चला यार सब लोग अपन दे रखा, चल सब लोग बाय बोला, बाय बाय बाय, गुड नाइट गुड नाइट, जो रानी बोला था रानी बोला गुड नाइट, गुड नाइट, हम्म, गुड नाइट, बिलारी बिलार बोला बिलार।